हे गज नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज का दिन है 26 जनवरी 2023 है और आज के दिन हम लोग जो है 74वां रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारी लोकेशन अभी है चर्चगेट के पास में है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमूमन जो है ना, जो भी फेस्टिवल होता है इंडिया में या कोई भी बड़े इवेंट होते हैं तो उनके दौरान जो भी हमारे मुंबई के जितने भी आइकॉनिक बिल्डिंग वगैरह है उनका डेकोरेशन काफ़ी अच्छे तरह से किया जाता है। तो फिलहाल अभी मैं आया हूँ चर्चगेट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इसका डेकोरेशन जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। वैसे तो डेकोरेशन नॉर्मली यहाँ पर होते रहता है लेकिन आज के दिन जो है ना इनका जो लाइटिंग अरेंजमेंट है का थीम जो है हमारा इंडियन फ्लैग है उसके बेस पे किया गया है। तो देखिए कितने अच्छे तरह से दिख रहा है। वैसे तो ये पुरानी बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और नॉर्मली अच्छा दिखता भी है लेकिन आज जो है जब इसका डेकोरेशन जब हो जाता है ना तो इसमें जब एकदम चार चांद लग जाता है। वैसे तो साउथ मुंबई के जितने भी आइकॉनिक बिल्डिंग है उनका डेकोरेशन किया जाता है रिपब्लिक डे और या कोई भी बड़े इवेंट होते हैं उसके दौरान में, लेकिन आज के ब्लॉग में हम लोग सिर्फ चर्च गेट और CST यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसको कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्च गेट को कवर कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं CST यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ और हम लोग पैदल ही चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इन रास्तों के बीच में कुछ नई चीज़ मिलेगी तो आज की वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और मैं तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एंजॉय करते होंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर लाइटिंग का किस तरह का अरेंजमेंट है। तो फाइनली हम लोग अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यहाँ पर आ गए हैं और जैसा कि लोगों ने बताया था तो वाकई में जो ना लाइटिंग का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है और देख के जो ना मन खुश हो गया है। और आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में जो है BMC का ऑफिस है इसके ऊपर में लेजर लाइट का अरेंजमेंट किया गया और भीड़ भी जो ना अच्छी खासी है यहाँ पे, सब लोग जो है इस पल को कैप्चर करने के लिए आए हैं। तो आज के वीडियो में कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में आ जाए।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज रात को जो है 8 o'clock को हमारा मुंबई दर्शन का वीडियो अपलोड होगा, तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।